हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि मीनोपॉज के पहले का जो समय होता है जिसे पैरी मीनोपॉज कहा जाता है, यानी कि पीरियड्स बंद होने के पहले का जो समय है जिसमें महिलाओं को जो प्रॉब्लम आती है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मूड चेंजेस आते हैं, कभी कभी पीरियड्स बहुत हैवी आते हैं, 15-15 दिन में आते हैं, कभी 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, और जब भी कंटिन्यूस 12 महीने तक आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तभी लेबल किया जाता है कि अभी आपको मीनोपॉज आ चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि पैरी मीनोपॉज का समय क्या होता है, कितने समय तक पैरी मीनोपॉज चलता है, पैरी मीनोपॉज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, यह समय में आपको गायनेक रिलेटेड क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उसका निदान कैसे होता है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो पहले मैं बताती हूँ आपको कि पेरीमेनोपॉज का समय जो है मोस्ट ऑफ द टाइम 40 उम्र जो है 40 इयर्स के अराउंड पेरीमेनोपॉज का समय शुरू हो सकता है। जैसे पहले हम बताते थे कि 45 के बाद मीनोपॉज आता है, अभी हम बोलते हैं कि मे बी 40 इयर्स, मे बी आफ्टर द एज ऑफ 35 ऑल्सो। तो जैसे जैसे मीनोपॉज का उम्र कम होता है वैसे वैसे ही पेरीमेनोपॉज का उम्र भी कम हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर हम चलते हैं तो 40 इयर्स का जो समय है यह समय में आपका पेरीमेनोपॉज का जो टाइम है वो शुरू हो सकता है। अभी पेरीमेनोपॉज का जो समय है वो 1 साल से 2 साल तक चल सकता है बिफोर मीनोपॉज, और यह जो समय है उसमें आपको क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं, आपके जो पीरियड्स हैं वह अनियमित हो सकते हैं, कभी आपको 15-15 दिन में पीरियड्स आ सकता है, कभी पीरियड्स 2-3 महीने के बाद एक बार आएगा, तो इरेगुलर पीरियड्स, ब्लीडिंग जो होती है वह आइदर स्पॉटिंग जैसे हो सकती है या तो हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, क्लॉट्स के साथ हो सकती है। दूसरा, आपको मूड चेंजेस आ सकते हैं, मूड स्विंग्स आ सकते हैं, कभी आप एकदम खुश हो, कभी आप एकदम चिंता में चले जाते हो, मोटापा आने की संभावना होती है, आपको लगता है कि आपका बॉडी फूल गया है, पेट का जो भाग है वो बड़ा हो गया है, ऐसे सब समस्या आती है, आपके जो हड्डियां हैं वह भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ वजाइनल ड्राइनेस, इंटरकोर्स के टाइम पेन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती है, तो उसकी वजह से भी यह सारी समस्या आ सकती है। स्किन में चेंजेस आ सकते हैं, ड्राइनेस ऑफ स्किन है, हेयर लॉस हो सकता है, तो यह सारी समस्या आपको ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज के समय में आ सकती है। अभी हम आगे चलते हैं कि इसका निदान कैसे किया जाता है। निदान के लिए नॉर्मली आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वह आपका परस्पेक्युलम परवजेनम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सोनोग्राफी कर सकते हैं। सोनोग्राफी में काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो पेरीमेनोपॉज समय है उसमें जो यूट्रस का जो अंदर का जो लाइनिंग है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है जिसे हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, और इस समय में जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है उनको ब्लीडिंग की समस्या ज़्यादा हो सकती है, ब्लीडिंग विद क्लॉट्स हो सकता है, पूरे दिन में 5-6-7 पैड भी चेंज करने की संभावना हो सकती है। फाइब्रॉइड्स, काफ़ी बार हम देखते हैं कि उनका सोनोग्राफी करते हैं और हम देखते हैं कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, तो यह भी एक समस्या आ सकती है। दूसरा है कि एडिनोमायोसिस, यानी कि यूट्रस का जो मिडल लेयर है उसकी थिकनेस भी बढ़ सकती है, सो यह सब आपका डायग्नोसिस हो सकता है और जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट एडवाइस किया जा सकता है। यदि हमें जानना है कि आपका मीनोपॉज का जो समय है वो जल्दी है तो उसके लिए हार्मोनल टेस्ट भी एडवाइस कर सकते हैं,
सीरम FSH वगैरह एडवाइस कर सकते हैं। इवन मेटाबॉलिक जो हम बोलते हैं कि थायराइड रिलेटेड इश्यूज है या तो डायबिटीज़ का रिस्क रहता है, ब्लड प्रेशर का रिस्क रहता है, तो उसके रिलेटेड यदि आपके डॉक्टर को लगता है कि आप हाई रिस्क में हो तो उसके रिलेटेड भी रिपोर्ट्स आपको एडवाइस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लीडिंग की समस्या है तो उसके रिलेटेड आपको मेडिसिन दी जाती है। अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है तो उसके रिलेटेड हम क्यूरेटिंग एडवाइस करते हैं, जिसे हम डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक क्यूरेटाज कहते हैं। उसमें अगर हॉर्मोन्स के रिलेटेड है तो वह हिसाब से आपको मेडिकेटेड कॉपर्टी एडवाइस कर सकते हैं या तो मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट एडवाइस करते हैं। अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में कोई मैलिग्नेंट चेंजेस दिखते हैं तो वह हिसाब से आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपको मूड चेंजेस वगैरह हो रहा है तो उसके रिलेटेड एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, हार्मोनल थेरेपी जो रहती है वह हम एडवाइस कर सकते हैं। यदि किसी महिला को बार बार यूरिन इन्फेक्शन की समस्या है तो उनके लिए एंटीबायोटिक वगैरह की ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इवन काफ़ी बार हमने देखा है कि जो पेशाब का रास्ता है वह नीचे तक आ गया है, तो इन महिलाओं को कीगल्स एक्सरसाइज वगैरह एडवाइस करते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो पहले डायग्नोस किया जाता है और उसके रिलेटेड उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर किसी महिला को वजाइनल ड्राइनेस की समस्या है तो वह हिसाब से उनको क्रीम और जो जेली वगैरह आते हैं वह एडवाइस कर सकते हैं। सो जैसे अभी मैंने बताया कि आपको जो कोई प्रॉब्लम है उसका पहले निदान किया जाता है और वह हिसाब से आपको ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। लेकिन अभी मैं बताने वाली हूँ कि आपको ऐसी सब तकलीफें ना आए या तो मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आए उसके लिए आपको क्या करना है। तो आपको याद रखना है 5 मंत्र, जो 5 चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपको इनफ स्लीप लेनी है, यानी कि नींद अच्छे से लेनी है। पूरे दिन में एटलीस्ट आपकी 6 से 8 घंटे की नींद होनी बहुत ही ज़रूरी है। वाटर इनटेक, आप जो पानी का सेवन है वो एटलीस्ट पूरे दिन में आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा है कि रेगुलर एक्सरसाइज। काफ़ी बार हमने देखा है कि जिन महिलाओं का पेरिमेनोपॉज फेज चल रहा है वो आलसी हो जाते हैं, उनको एक्सरसाइज वगैरह वॉकिंग वगैरह कुछ भी एडवाइस करते हैं तो बोलते हैं मैम घुटनों में दर्द हो रहा है। तो यदि आपको दर्द भी हो रहा है लेकिन आप एक बार एक्टिव होंगे, रेगुलर आप अगर एक्सरसाइज करते हो, वॉकिंग करते हो, आप जो भी एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको पसंद है वह अगर शुरू करते हो तो मे बी इनिशियली आपको दर्द हो सकता है लेकिन धीरे धीरे आपकी यह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। चौथा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हेल्दी फूड हैबिट्स, यानी कि आपका जो खाना पीना है उसमें भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेना है, मैदा वगैरह अवॉइड करना है, इवन शुगर, क्योंकि यह जो उम्र है इसमें डायबिटीज़ का भी रिस्क रहता है, ब्लड प्रेशर का रिस्क रहता है। तो यदि आपको फैमिली हिस्ट्री वगैरह है तो आपको बहुत ही सतर्क रहना है और जो शुगर इंटेक वगैरह है वो कट डाउन करना है, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना है, खट्टे फ्रूट्स वगैरह का सेवन करना है। और लास्ट की यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली अपने जो डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, चेकअप करवाएं और उसके रिलेटेड जो कोई मेडिकेशन आपको एडवाइस की जाती है वह आपको रेगुलर लेना है। और लास्ट में बताना चाहती हूँ कि यह जो समय है इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है आपके फैमिली से वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो यदि आपका पेरिमेनोपॉज फेज शुरू होता है तो आपके फैमिली मेम्बर्स को आप बता दीजिए कि मुझे ऐसे सब प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको यह जो समय है मुझे संभालना है। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप मेडिकेशन वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन आप जितना हेल्दी फूड हैबिट्स, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका यह समय बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपने क्वेश्चन लिखिए और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके इन सवालों के जवाब के साथ वापस आएंगे। थैंक यू।